नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी महर्षि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। झुंझुनू के खेजड़ी नगर थाना इलाके की पहाड़ी पर बने टेलिंग डैम के पास एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। थाना अधिकारी हरिकृष्ण तंवर ने बताया कि सूचना मिली थी कि डैम के पास बने खंडर मकान के सामने एक बाइक लावारिस हालत में खड़ी हुई है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का मौका मुआयना किया। इस दौरान पुलिस ने जब खंडर मकान में अंदर जाकर देखा तो युवक फांसी पर लटका हुआ था। पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में शव को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया और मामले की जांच शुरू कर दी। हमें सूचना मिली थी वाया सरपंच गोठड़ा हरिराम जी उनके थ्रू कि भाई एक जो माइनिंग में जो गार्ड जो अपने रोप वे है इसको चेक करता है, ये डंपिंग यार्ड है गोठड़ा वार्ड नंबर 7 में पीछे की तरफ पहाड़ियों में बरगड़ा गाड़ी के पास, ये साहब कोई व्यक्ति फांसी खाया हुआ लटका हुआ है खंडर में। तो मौके पे फिर मैं जाता हम पहुँचे, मौके पे मैंने देखा कि उसकी एक बाइक खड़ी है, मोटरसाइकिल खड़ी थी बिना चाबी के। फिर हम आगे जाकर के अपने क्वेश्चन देखते हुए अंदर जाके देखा तो एक लड़का जो लगभग उम्र 26-27 साल थी हैंगिंग किया हुआ था। अभी मौके पे हमने उसके शव को उतरा के एफएसएल टीम से मुआयना करवाया जा चुका है, डॉग स्क्वाड से भी इसका करवा दिया है, मोर्चरी में रेड बॉडी लेके आए, पंचायत नामा की कार्रवाई की जा चुकी है, मेडिकल बोर्ड द्वारा इसका पोस्टमार्टम अभी किया जा रहा है, पारिवारिक शाम से इसके संबंध में हम कोई रिपोर्ट लेंगे और अभी जांच जारी है, मृत्यु के कारणों से बाद जांच अवगत कराया जाएगा। कुम्भारा में लिफ्ट कैनाल परियोजना से झुंझुनू शहर को जोड़ने के बाद दावे किए जा रहे हैं कि झुंझुनू शहर को अब 24 घंटे पानी मिलेगा। पूरे शहर में पाइपलाइन भी डाल दी गई है लेकिन फिर भी शहर में पानी की समस्या ने हाल बेहाल कर रखा है, जिसके चलते झुंझुनू नगर परिषद के करीब 14 पार्षद ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की और अपनी पीड़ा बताई। उन्होंने बताया कि हालात ये हो गए हैं कि अब तो टैंकर के लिए भी वेटिंग चल रही है, इसलिए इस व्यवस्था को सुचारू बनाने की मांग की गई है। वार्ड नंबर 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44, 45, 56 नंबर, 57, 58, 59, 60 और 2 नंबर के वार्ड के हम सभी पार्षदगण आज जिला कलेक्टर महोदय से अपनी पानी की समस्या को लेकर एक ज्ञापन दिया है। जिला कलेक्टर महोदय ने आश्वस्त किया है कि रूडीप जो इसकी कार्यकारी और नोडल एजेंसी है गवर्नमेंट की, वह LNT इसकी जो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है उसको बुलाकर आपकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करूंगा। बारा के किशनगंज में NH-27 पर तेजाजी डांडा के पास लहसुन भरकर जा रहे एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। ट्रक की टक्कर से लहसुन से भरी ट्रॉली पलट गई, वहीं हादसे में ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे तुरंत अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ उपचार के दौरान चालक की मौत हो गई। सूचना पर किशनगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। कोटा के महावीर नगर इलाके में 4 मंजिला हॉस्टल के ग्राउंड फ्लोर पर चल रहे मैस में गैस सिलेंडर लीक होने पर आग लग गई। घटना की जानकारी लगने पर 2 दमकलों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हॉस्टल में रह रहे 14 स्टूडेंट को सकुशल बाहर निकाला गया। सहायक अग्निशमन अधिकारी देवेंद्र गौतम ने बताया कि रसोई में रखे गैस सिलेंडर लीक होने पर वहां जल रहे दीपक से आग लग गई। इस हॉस्टल में घटना के समय 14 स्टूडेंट हॉस्टल में थे, सभी को सुरक्षित अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने बाहर निकाल लिया, लेकिन इस घटना में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। जयपुर में 5 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार हुए RTU के वाइस चांसलर RA गुप्ता के सरकारी आवास में हाउस सर्च करवाई जा रही है। बता दें कि कोटा ACP की टीम RTU स्थित कुलपति के सरकारी आवास पर दस्तावेजों को खंगाल रही है। एडिशनल SP ठाकुर चंद्रशील ने बताया कि मुख्यालय के निर्देशन के बाद देहात टीम के साथ ACB हाउस सर्च में जुटी है। सर्च अभियान देर तक चलने की संभावना है। जानकारी के अनुसार RTU के कुलपति डॉक्टर रामावतार गुप्ता मूल रूप से जयपुर के निवासी है, पिछले 2.5 साल से कोटा में पदस्थापित है। इसी सिलसिले में यहाँ पर उनका जो सरकारी आवास है कोटा टेक्निकल लिहा राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी में, इसमें इनकी तलाशी चल रही है। सर, ये कब से बाहर थे हैं कोटा से बाहर? ये हमें इस तरह की कोई जानकारी नहीं है, ये कार्रवाई सारी जयपुर में हुई है और हम सिर्फ यहाँ पर तलाशी हैं कोटा के लिए। तलाशी में अभी तलाशी चल रही है, प्रारंभ हुई थोड़ी देर पहले, इसमें काफ़ी समय लगेगा। दस्तावेजों को भी खंगाले जा रहे हैं? जी बिल्कुल, सारी तलाशी। अजमेर के मांगलीवास में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्राम सभा आयोजित की गई, जिसमें जिला कलेक्टर अंशदीप ने ग्रामीणों की समस्या सुनकर उनके समाधान का आश्वासन दिया।
ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से गांव के बीचों बीच शिव मंदिर पर अतिक्रमण किए जाने, गांव में पेयजल संकट के दौरान 8 दिन से मात्र 20 या 25 मिनट सप्लाई दिए जाने की शिकायत दर्ज कराई। ग्रामीणों ने ग्रामीण जल मिशन योजना के तहत गठित कमेटी में ग्रामीण को शामिल कराए जाने की मांग भी की। राजस्थान सरकार की मजदूर और कर्मचारी विरोधी नीतियों को लेकर भारतीय मजदूर संघ 6 मई को जयपुर में विशाल रैली निकालकर रोष प्रकट करेगा। मजदूर के इस आक्रोश रैली में सिरोही से सैकड़ों मजदूर और कर्मचारी के साथ समस्त जिला कार्यकारिणी व कार्यकर्ता भाग लेंगे। रैली को लेकर प्रदेश व जिले के कार्यकर्ताओं ने संगठन के सभी अनुसांगिक संगठनों, कारखानों के संगठनों की बैठक लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया। इस मजदूर रैली को लेकर भारतीय मजदूर संघ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री राजबिहारी शर्मा ने बताया कि मजदूर आक्रोश रैली साय 4 बजे शहीद स्मारक से रवाना होकर चुम्मू हाउस सर्कल भाजपा कार्यालय होते हुए सिविल लाइन फाटक पर समाप्त होगी। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर भारतीय मजदूर संघ 6 मई 2022 शुक्रवार को जयपुर में विशाल रैली निकाल करके रोष प्रकट करेगा। राजस्थान की संवेदनहीन सरकार कर्मचारियों और श्रमिकों के हितों पर कुठाराघात कर रही है और गुंगी और बैरी सरकार कर्मचारी संगठनों को सुन भी नहीं रही है। भारतीय मजदूर संघ विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, उस संगठन को वार्ता के लिए भी नहीं बुला रही है। तो मजबूरन इस सरकार को अपनी ताकत दिखाने के लिए 6 मई 2022 को मजदूर और कर्मचारी जयपुर की सड़कों पर विशाल रैली निकाल करके इस गूंगी बैरी सरकार को जगाने का प्रयास करेंगे। सूरतगढ़ में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे को लेकर भाजपाई खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। स्थानीय तरण निवासी आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा के केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि यहां बूथ संकल्प सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। वे सम्मेलन के बाद भाजपा के प्रमुख 100 लोगों से पार्टी स्तर की चर्चा भी करेंगे, जिसमें सांसद, विधायक, मंत्री व अन्य पदाधिकारी शामिल होंगे। मेघवाल ने कहा कि भाजपा निरंतर सक्रिय रहने वाली पार्टी है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री के साथ प्रदेश उपाध्यक्ष माधव राम सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, करौली की घटना से अपन शुरू करें। सबसे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर राजस्थान में पूरा ही बिगड़ा हुआ है। मैं खुद करौली गया, मैं आपको ही पूछता हूं, भारतीय नववर्ष मनाना कोई अपराध है क्या? करौली के लोग भारतीय नववर्ष मना रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे। प्रदेश के राजस्व मंत्री रामलाल जाट चित्तौड़गढ़ पहुंचे, जहां सर्किट हाउस पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री का स्वागत किया। प्रदेश के राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने प्रशासन शहरों गांवों के संग अभियान की जानकारी देने के साथ ही प्रदेश में बन रहे उन्मादी माहौल को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। वहीं पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि प्रशासन गांव शहरों के संग अभियान के तहत लोगों को लाभ पहुंचाएगा, ताकि लोग अधिक से अधिक संख्या में शिविर का लाभ ले सके, जिससे कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पाए। वहीं उन्होंने प्रदेश में बिगड़ रहे सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर भाजपा नेताओं पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जहां जहां भाजपा के नेता जाते हैं वहां निर्देश देते हैं। गौरतलब है कि भीलवाड़ा में भी बीती रात विवाद हुआ था और जिले के इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का भीलवाड़ा दौरा, ऐसे में एक बार फिर से सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर भाजपा कांग्रेस आमने सामने हो गई है। लगातार देश में सांप्रदायिक माहौल खराब हो रहा है, उन्मादी लोग जो है वो हावी हो रहे हैं। क्या सरकार ऐसा कार्रवाई करेगी और किन लोगों को? शानदार मुख्यमंत्री जी ने बजट दिया, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम नहीं है, इनका एक ही एजेंडा है। सोच से ज्यादा बुद्धिजीवी लोग हैं, साहित्यकार हैं, उन लोगों ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है। ये भारत देश एक अखंड देश, धर्म निरपेक्ष देश रहा है। आपने देखा होगा जो जो घटनाएं घटी उनकी नेचर क्या थी। इनका भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है कि शानदार बजट को भुलाओ, भाईचारा खत्म करो और वोट हासिल करो। अच्छे दिन लाने के जो वादे किए हैं, 15 लाख खाते में डालने के जो वादे किए हैं, काले धन लाने के जो वादे किए हैं, पेट्रोल डीजल 35 रुपये लीटर करने का जो वादा किया, गैस के सिलेंडर निःशुल्क देने का जो वादा किया, उनको भुलाने के लिए ऐसे दंगे कराए जा रहे हैं कि उनका सेट एजेंडा है। झुंझुनू एसपी प्रदीप मोहन शर्मा अचानक चिड़ावा थाना पहुंचे। उन्होंने चिड़ावा थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। उन्होंने चिड़ावा थाने में तय कार्य व्यवस्था को जाना और पुलिसकर्मियों से भी जानकारी हासिल की। उन्होंने पुलिसकर्मियों से कहा कि थाने में आने वाले परिवादियों के साथ संजीदगी के साथ व्यवहार करें और उनकी सुनवाई हो। इसके बाद चिड़ावा डीएसपी सुरेश शर्मा ने तथा सीआई अनिल चौधरी के साथ उन्होंने चिड़ावा क्षेत्र के अपराध को लेकर समीक्षा की। वहीं पुराने मामलों को निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने इस मौके पर बताया कि क्षेत्र में बढ़ती चोरियों की रोकथाम के लिए पुलिस सतर्क है, इसलिए प्रभावी गश्त के निर्देश दिए गए हैं।
चिड़ावा पुलिस थाने का आज वार्षिक निरीक्षण किया गया है और इस वार्षिक निरीक्षण के अंदर अपराध की समीक्षा की गई है जो पुराने मुकदमे हैं उनके त्वरित निस्तारण के लिए, दूसरा इसके साथ ही जो अपराध के नियंत्रण के लिए जो कार्रवाई की गई है उसके बारे में जानकारी की गई, अपराध अनुसंधान एवं अपराधों को रोकथाम के लिए जो कार्रवाई की जाती है उस संबंध में विचार विमर्श किया गया, जानकारी दी गई, उसके बारे में भी बात की गई है। चोरी आदि घटनाएं रोकने के लिए गश्त को और प्रभावी बनाने का कार्य किया जा रहा है। तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज़। नमस्कार।